नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देसी रसोईया भाई अलका में। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टू। तो चलिए स्टू की रेसिपी बताते हैं। रेसिपी बताने से पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालती हूँ तो आपको पता चले। चलिए बताते हैं स्टू बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है। 250 ग्राम हमने प्याज लिया है, आधा किलो आलू है, 4 बड़ी इलायची है, 5 सूखी लाल मिर्च है, 10 से 15 दाने हमने काली मिर्च के लिए है, 1 अदरक का टुकड़ा है और तेजपात के पत्ते हैं, 5 चम्मच हमने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है, 1 गिलास मट्ठा है और 1 कप पानी लिया है। ये स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम मिर्च और साबुत धनिया, काली मिर्च और इलायची, इनको बीच से छील लेंगे, इनके दाने लेंगे, इनके दाने निकाल लेंगे। इन सबको हम 1 से 2 बार मिक्सी चलाएंगे और दरदरा पीसेंगे। इस तरीके से मसालों को दरदरा पीस लेंगे। अब हम प्याज काटेंगे। प्याज को लंबाई में काटेंगे। अदरक को हम काट लेंगे बारीक। हमने प्याज काट लिया है, इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़े किए हैं प्याज के, और आलू हमने इस तरीके से काट लिए हैं। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमने कुकर गरम होने के लिए रख दिया है। कुकर गरम हो गया है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। हमने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। तेल गरम हो गया है, सबसे पहले हम इसमें अदरक को भून लेंगे। अदरक भून गई है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज भून गया है, अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को भी अच्छे से भून लेंगे। आलू को बीच बीच में चलाते जाएंगे, उनको अच्छे से हम भून लेंगे। आलू भून चुके हैं, अब इसमें हमने जो मसाला पीस के रखा था इसको हम डाल देंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2 मिनट तक इसको हम ऐसे ही भून पकने देंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। आलू भून चुके हैं, अब इसमें हम मठा डाल देंगे। और इसमें हम 1 कप पानी डाल देंगे। अब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे। और इसमें हम 5 सीटी लगा देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सीटी लग गई है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने तक उसका वेट करेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे। गैस को ऑन करके 2 मिनट तक हम इसको भून लेंगे सब्जी को।
और इसमें 2 चम्मच घी डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला देंगे जिससे घी मिक्स हो जाए, और 2 मिनट तक इसको हम अच्छे से भून लेंगे। सब्जी भुन गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे। स्टू बनके तैयार हो गया है। आप इसे गरम गरम रोटी, पराठा या पूड़ी के साथ खा सकते हैं। तो चलिए बनाइए और खाइए, और अपने अनुभव देसी रसोईया बाई अलका में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।